मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हटा पुलिस ने पकड़ा गांजा, एक आरोपी गिरफ्तार। सास के स्कूल में बच्चों से धुलवाए जा रहे हैं बर्तन। मासूम को झाड़ियों में फेंक कर निर्दयी मां हुई गायब, सरपंच ने दिखाई मानवता, मासूम को कराया अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में घुसा सांप, अफरा तफरी भरा रहा माहौल। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे एक ऐसी मां की जो काफी निर्दयी थी, जिसने अपनी कोख में पलने वाली संतान को जन्म लेने के साथ ही कचड़े में फेंक दिया। दमोदिया थाना अंतर्गत परसौरिया से मामला सामने आया, जहां पर सुबह आज एक नवजात को कचड़े में देखा गया। सरपंच सौमिश गुप्ता को जानकारी दी गई तो वह मौके पर पहुंच गए। उनके द्वारा तत्काल ही मासूम को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। तो ये बच्चा कहाँ मिला है आपको, किस स्थिति में मिला है, कहाँ लाया? मेरे पास सुबह फोन आया कि पथरिया पेपरिया रोड पे पानी की टंकी के पीछे जो भूरा बना हुआ है वहाँ पे कोई बच्चा डला हुआ है और जिंदा है। तो मैं तुरंत वहाँ पे भागते हुए गया, मैंने देखा भीड़ लगी थी बहुत सारी और बच्चा जीवित था। तो मैंने तो अपने तुरंत शॉल निकाल के उसको अपने साथ में लिया और हमारे गांव में फार्म हाउस की कर्मचारी हैं रत्ती जी और भाई हैं, उनको साथ में लेके आए हैं। बच्ची अभी जीवित स्थिति में, कौन डाल गया ये पता नहीं, लेकिन अभी आज ही पैदा हुई है क्योंकि उसकी स्थिति देख के समझ में आ रहा है, ऐसा बताया अभी डॉक्टर ने। एकदम नवजात है आज ही सुबह उसकी, क्योंकि उसकी नली भी नहीं कटी है अभी उसकी। ग्रामीणों ने बताया किसका है ये? किसी ने बताया, बहुत सारी भीड़ लगी थी जब मैं पहुंचा, करीब 200-300 लोग वहाँ थे, लेकिन किसी कोई मदद के लिए नहीं उसको उठाया नहीं था, किसी ने कपड़े भी नहीं थे उसके बदन पे, ना कोई ऐसा। डॉक्टर क्या कह रहा है अभी आपने? डॉक्टर कह रहे हैं कि हम उसका तुरंत, डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है, वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगी। मासूम का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, पुलिस के द्वारा मामले में जाँच की जा रही है, डॉक्टर की जा रही है। और आज सुबह करीब 9 बजे डालेंगे कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बोनी में एक फीमेल चाइल्ड जो वहाँ पे कोई लावारिस छोड़ के चला गया है, जो वहाँ पर डायलेंडेड पहुँची, उसका पता चला कि सोमेश गुप्ता जी वहाँ पे जो सरपंच है उनके द्वारा उसको हॉस्पिटल में लेके पहुँच गए हैं। हम लोग तत्काल हॉस्पिटल पहुँचे हैं, तब तक कि सोमेश गुप्ता जी ने उनको एडमिट करवा दिया है। अभी जो बच्चा है, बच्ची है, वो सीरियस है, मैं तो काम किया कहीं, और निसंदेह सुमित गुप्ता जी सरपंच है, उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। तो माँ बाप की तलाश कुछ है सर? हाँ, संभवतः माँ बाप की जो तलाश है वो जारी है, उसकी हमने रवाना कर दी है और बहुत जल्द उनका पता चल जाएगा। दमोह जिले में लगातार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब नवजातों को लोग कचड़े में फेंक रहे हैं। दूसरी घटना सामने आई है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत गांजा तस्कर को पकड़ा गया है। 2 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। संपूर्ण जिले में अवैध गांजे के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। हटा पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ा गया, जिसके पास से 2 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। हटा TI HR पांडे ने बताया। पुलिस अधीक्षक श्री DR धनीवार साहब के निर्देशन में लगातार जिले में NDPS के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। मैं बाहर था थाने से, तो ASI राकेश पाठक को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी है हल्ले साहू, देवडोंगरा का है, ये बाय सोजना के पास खड़ा है और ये मादक पदार्थ लिए है। सूचना पर ASI पाठक हमरा स्टाफ की सूचना दर्ज करके और सूचना दे करके और रवाना हुए थे। टेंट के द्वारा वहां जाकर विधिवत कार्रवाई की गई और उसके कब्जे से करीब 2.5 किलो गांजा जब्त हुआ है, जो कीमती करीब 25,000 रुपये है, जिसमें इनके द्वारा विधिवत गिरफ्तारी कर कार्रवाई की गई है और आज उसको JR भेजा जा रहा है न्यायालय, और इसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाकर जो भी और लोग उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है।
कार्यवाही जारी है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज सभा। पथरिया से आज एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर बताया जाता है कि एक्सलेंस इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल के बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे थे, कैमरे में यह घटना कैद हो गई। बीआरसी के द्वारा संपूर्ण मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। पथरिया के स्कूलों में आज से मध्याह्न भोजन प्रारंभ हो गया है। इसी बीच देखने में मिला जब छात्र छात्राओं से बर्तन धुलवाए जा रहे थे। इस मामले की जानकारी जब हमें लगी तो हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर देखा, जिसके बाद वहां पर बच्चे बर्तन धोते हुए देखे गए। बीआरसी को भी जानकारी दी गई, बीआरसी के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन जिस तरह से बच्चे बर्तन धो रहे हैं, एक शिक्षक वहाँ खड़ा हुआ है और कह रहा है कि जल्दी जल्दी बर्तन धो लीजिए। काफ़ी बड़ी बात है, बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। आओ अपना सब काम करो। ये टाट टाट नहीं बुलवा रहा है, खराब हो गया। हाँ तो वीडियो क्या बना रहे हैं? कराई ना कहीं तुम्हारे देखने लायक होगा कब तक कार्रवाई तय हो पाती है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज सभा। ग्राम एरोरा से एक मामला सामने आया, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ। एक युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, घायल युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। एरोरा में रहने वाले गोलू नाम के युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। युवक की माँ की माने तो युवक अपने खेत पर काम कर रहा था। इसे बीच पड़ोसी खेत मालिक के द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किया गया। बताया जाता कि पड़ोस में जो खेत मालिक हैं उनका नाम हरी है, उनके पाइप चोरी हो रहे थे, तो कभी पानी दूसरे किसान पाइप खोल कर ले रहे थे, जिसके बाद उनके द्वारा गोलू के ऊपर शक जाहिर करते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, पुलिस के द्वारा मामले में जांच। नाम है आपका? क्या हो गया? किसने मारी है? हरी ने। क्यों मारी, क्या विवाद? पाइप वैसे जहाँ हमारा काम लगो तो हम काम करा तो अब तुम कह रहे थे हमारा पाइप खोले, तो मैं कहा पता तुम्हारा पाइप को खोल जा, तुम्हारा पाइप खुला थे तो तुम दो चार दिन ऐसे देखो कि हमारा पाइप को खोल रहा कि तुम लड़के जबरदस्ती लगा के तुम न खोलो। और हमारे ईंटा पार्टी हो तो पथेरे 20 हैं, वे कह रहे थे हम रेता को पानी चलाओ तो रेता ही मनो अपना काम करा भी नहीं जा खोलवे। अब तुम कह रहे खोलो वैसे मैंने ऐसे किया तो हमारी खुला जब पछा रहे से उन्होंने भाग दिया। किसने मारी, क्या नाम? हरी हरी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? एरोरा। क्या नाम है? गोलू। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज सभा। खबरों में हम बात करते हैं सिविल अस्पताल हटा की, जहाँ के हालात इतने खराब हैं, पहले आवारा पशु मवेशी कुत्ता बिल्ली यहाँ पर घूमते थे, लेकिन अब सांप भी अस्पताल में घूमने लगा है, जिससे अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। सिविल अस्पताल हटा में शुक्रवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब प्रसूता वार्ड के नजदीक एक जहरीला सांप घूमता हुआ नजर आया। बाद में उपस्थित मरीजों के साथ परिजन एवं अस्पताल के कर्मी घबरा कर खुद को बचाते हुए नजर आए। बाद में सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाकर सांप को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। अस्पताल के पीछे सफाई न होने के कारण ऐसे कई जहरीले जीव जंतु पलकर अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जिस पर अस्पताल के अधिकारियों की नज़र नहीं है। वही यदि ऐसी ही स्थिति आगे भी रही तो जल्द ही अस्पताल चिड़ियाघर में तब्दील हो जाएगा। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का शनिवार को जैसे ही दानीताल से सुबह पद बिहार जबेरा की ओर हुआ,
वैसे ही समूचे क्षेत्र ज्ञान के सागर विद्यासागर के जयकारों से गूंज उठा। बिहार के रास्ते में श्री आनंद धाम मंदिर के संस्थापक पीठाधीश्वर स्वामी रंजीतानंद सरस्वती जी के विशेष आग्रह पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आनंद धाम पहुँचे, जहाँ पर संत समाज ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया, साथ ही विश्व कल्याण की कामना की। वैदिक मंत्रोच्चारों से पूरा आनंद धाम गुंजायमान हुआ। सभी को आचार्य श्री के मंगल प्रवचन और मंगल आशीर्वाद का लाभ प्राप्त हुआ। हजारों की तादाद में एक बड़ा काफिला गुरुवार के दर्शन पाने को आतुर था, उनके साथ एक बड़ा जनसमूह चल रहा है। अभी हमारा बिहार का काल चल रहा है, बीच में वक्त लोग आप लोग आ गए, यहाँ बैठने के लिए कहा। हमने कहा कि भैया हमारे कुछ बिक्री होगी, इसलिए बैठना ही ठीक है। इसी प्रकार जंगल में राम लक्ष्मण और सीता का विवाह हुआ था, उन लोगों ने संकट सहन किया और पूजा की। संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा शासन के दिशा निर्देश अनुसार कोविड अनुग्रह राशि अंतर्गत 50,000 रुपये मृतक के नजदीक परिजन को दिए जाएंगे, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। अब तक 22 लोगों के द्वारा फॉर्म दाखिल किए गए थे, 11 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। वासियों से ये निवेदन है कि शासन के निर्देशानुसार कोविड अनुग्रह राशि जो 50,000 रुपए मिलता है, जो अपने नजदीकी जो अपने परिजनों का, वो दमोह जिले में अभी तक हम लोगों के पास 22 एप्लीकेशन आए थे और 22 के 22 एप्लीकेशन में हम लोगों ने 50,000 रुपए की राशि जो है ऑलरेडी ट्रांसफर किया है। सभी से निवेदन यही है कि कोविड के टाइम में जिन लोगों की मृत्यु हुई है और उन लोगों की सर्टिफिकेट्स RET हो या RT-PCR हो या डेथ सर्टिफिकेट में जो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, या अपने हॉस्पिटल की जो है वो दो डॉक्टर से सर्टिफाई करके आया हुआ है, वो सभी लोग जो है वो अपने यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और नियमानुसार जो है कोविड अनुग्रह सहायता राशि जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए वो पूरे लोग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपने RET, RT-PCR और बाकी अपना सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है उसको चेक करने के लिए भी दो डॉक्टर की टीम और ADM और अपने राहत राशि के जो अपना OIC है उन सभी की टीम भी बनी हुई है। तो सभी से निवेदन यही है कि जिन जिन लोगों की या परिजनों के उस टाइम में कोविड की वजह से जो मृत्यु होने की बात आई है, वो सभी लोग जो है अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं और नियमानुसार जो है कोविड अनुग्रह सहायता की राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खाद को लेकर भी उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। दो दिन पहले हम लोगों की DAP की रेक प्राप्त हो गई थी और लगातार जो है दमोह के अपने विपणन संघ के माध्यम से, मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से और निजी संस्थाओं के माध्यम से DAP का जो है वितरण किया जा रहा है। आज की डेट में जो अपने विपणन संघ और मार्केटिंग सोसाइटी के पास 550 मीट्रिक टन है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास 500 मीट्रिक टन DAP है और निजी संस्थाओं के पास लगभग 120 मीट्रिक टन DAP जो है शेष बचा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह के बेटी ने किया जिले का नाम रोशन। सागर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में मारी बाजी, निकिता जैन आई फर्स्ट। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। सागर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता में दमोह की बेटी ने मारी बाजी। प्रथम पुरस्कार पाकर जिले का बढ़ाया मान। डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की जीवनी पर आधारित एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सागर संभाग के सभी स्कूलों कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। दमोह की बेटी निकिता जैन ने भी हिस्सा लिया, जो प्रथम स्थान पर रही, जिसे सागर यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा मंच से सम्मानित किया गया। निकिता इस जीत का श्रेय अपने पिता महेंद्र सिंह बाबा और अपनी मां और शिक्षकों को देती हैं। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। कल मैं सागर यूनिवर्सिटी गई थी, 21 को हमारा वहां पर प्रोग्राम था, हरि सिंह गौर जी का जन्मोत्सव था आज।
192nd जन्मोत्सव जो था उनका, तो मैं टाइम्स कॉलेज से यहाँ से गई थी, कॉलेज की तरफ से ही लेकर गए थे। हर कॉलेज को दो बच्चों की अथॉरिटी मिली हुई थी, तो मैंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैंने हरि सिंह गौर जी के बारे में उनकी पूरी जीवनी बताई हुई थी। और भी मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से आए हुए थे, बट गुड लक था मेरा जो कि मेरी फर्स्ट रैंक लगी और आज मुझे वहाँ पर सम्मानित किया गया था। एक मुझे सर्टिफिकेट दिया गया और एक मुझे शील्ड भी दी गई थी। कैसा लगा जब आपका फर्स्ट नाम पुकारा गया? मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इससे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे मम्मा पापा को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करती हूँ ना तो मेरे पापा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और लड़कियों के लिए वैसे ही पापा का थोड़ा सा अटैचमेंट ज्यादा होता है, तो वो और भी अच्छा लगा मुझे। इस कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहोगे? इस कामयाबी का श्रेय ऑफकोर्स मम्मी पापा को तो देंगे, क्योंकि वहीं से मुझे आगे बढ़ाया गया है। प्लस हमारा जो कॉलेज है, क्योंकि डायरेक्टर सर और बाकी जो टीचर्स जिन्होंने हमारी हेल्प की है, क्योंकि उन्होंने ही गाइड किया है कैसे करना है, उन्होंने ही सब बताया और उन्होंने ही मौका दिया मुझे वहां तक जाने का, इसलिए उनको भी। मड़ियादा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला के द्वारा धोखे से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। मड़ियादा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां सपना अहरवाल नाम की एक महिला को दमोह जिला अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि एक जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। महिला के पति की माने तो एक ही स्थान पर सल्फास की गोली रखी थी, वहीं पेट दर्द की गोली भी रखी थी। महिला के द्वारा धोखे से सल्फास खा ली गई। हालांकि हमने जब उनसे कुछ प्रश्न पूछे तो वे जवाब नहीं दे पाए। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज तमाम। हिंडोरिया थाने के जमुनिया हजारी से एक मामला सामने आया जहां पर एक नाबालिग के द्वारा धोखे से जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जमुनिया हजारी में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग के द्वारा धोखे से भट्टे में डालने वाली दवाई का सेवन कर लिया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। परिवार की माने तो सुबह भट्टे में दवाई डालनी थी, रात में घोल कर रखी गई थी। सुबह नाबालिग के द्वारा धोखे से उसका सेवन कर लिया। क्या है ना, जो भट्टों के पेड़ लगे हैं तो उन पर डाली दवाई ली मार, तो गिलास में घोल के बनाई दवाई, कितने हिसाब से बननी, वो गिलास को फंगा के रख भी दिया एक बार डाल के, और ये उठी सो रही थी तो उसने सोचा कि ये सही रखा है, तो उठा के पानी पी लिया उस गिलास। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज़ तमाम। दमोह नगर में वहाँ वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लगातार देखने में आ रहा है जब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर ना आए इसके लिए लगातार कोवैक्सीन और कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही है। कोरोना की ये वैक्सीन है ताकि अधिक से अधिक लोग कोरोना की जंग में अपना सहयोग दे सकें। प्रदेश में लगातार कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए महाअभियान चलाए जा रहे हैं। दमोह के कचौरा शॉपिंग सेंटर स्थित अंबेडकर भवन में लगातार लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। आज भी काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे जिनके द्वारा वैक्सीन लगवाई गई। लोगों के प्रति वैक्सीन के प्रति क्या रुझान चल रहा है, कितने क्या आंकड़े कैसे होंगे? देखिए, दमोह में तो अब पूरे शहर में ही चल रहा है अच्छा खासा रुझान तो हो रहा है, पर अभी समस्या ये हो रही है कि कुछ लोग हैं जो अभी सेकेंड डोज लगवाने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम अपनी मोबाइल टीम भी रखे हैं। आज कम से कम 6 टीम हम पूरे दमोह शहर में घुमा रहे हैं। इसके अलावा अम्बेडकर भवन अपना जो परमानेंट सेंटर है, ये तो है ही अपना, यहाँ लगभग लगभग 135 टीके लग चुके हैं। बाकी जो दमोह में है जो टीम्स घूम रही हैं बाहर, वो भी लगभग मेरे ख्याल से 200-250 कम्प्लीट कर चुके हैं अभी तक। शाम तक मैं आपको और बेहतर जानकारी दे पाऊंगा। ओके।
संजय सरवारी, लखी डीसी न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत पथरिया फाटक से एक मामला सामने आया जहां महिला को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। महिला की माने तो उसके पति के द्वारा चूहा मार खिलाई गई है। महिला का नाम सत्या राज है, पति का नाम विकास राज है। दमोह के पथरिया फाटक की महिला रहने वाली है। क्या पूरा मामला है उसी से जानते हैं। इस संबंध में महिला ने हमें बताया। क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ की रहने वाली है? पथरिया फाटक। क्या हो गया है आपको? पति मारपीट करता है, चूहा मार खिलाई है जबरदस्ती। किस वजह से मारपीट होती है, क्या विवाद है? घर के वजह से उसको पैसे चाहिए, हम पैसे नहीं कमा कर लाते हैं इसलिए। क्या नाम है आपके पति का? विकास राज। क्या करता है वो? टेंट हाउस का काम। महिला अपने मासूम बच्चे को लेकर अस्पताल में भर्ती है, स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। फरवरी माह में कुंडलपुर में महामहोत्सव गजरथ महोत्सव होने वाला है, जिसमें विश्व के सभी देशों से जैन समाज के लोगों का आगमन होगा। इसी तारतम्य में कुंडलपुर में सर्वधर्म की लोगों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पटेरा विकास खंड के गणमान्य नागरिक एवं सर्वधर्म के लोग एकत्र हुए। शांति भवन कुंडलपुर में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष संतोष सिंह द्वारा एवं कुंडलपुर समिति के द्वारा सदस्य मौजूद रहे, जिसमें कुंडलपुर समिति व आयोजकों के द्वारा गजरथ महामहोत्सव को सफल बनाने हेतु सभी गणमान्य नागरिकों से अपील की गई। इस मीटिंग में पप्पू ताम्रकार, गुड्डू ताम्रकार, राजा ताम्रकार, बलराम पटेल, शंकर तंतुभाई, बादशाह खान, दीपक उपाध्याय सहित काफी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कितने भाग्यशाली है ये 5 मिनट लगते हैं, तो कितना डिस्टेंस है? 50 मिनट का डिस्टेंस है। और आप निश्चित ही पहलवान जी ने बोला, निश्चित ही मतलब भाग्यशाली है। उस तरह भी इस तरह भी बड़े बाबा, इस तरह भी भोले बाबा, बीजेपी बाबा। जिन देशों की भैया को जानकारी थी, जब 5 दिन पुरानी थी, अभी लगभग 46 देशों से हमारे पास स्वीकृति आ चुकी है। जो लोग यहाँ आने वाले हैं, और हो सकता है कि 100 देशों से लोग यहाँ कुंडलपुर के कार्यक्रम में शामिल हों। हमने सभी जगह खबर भेज रहे हैं, और जैन पूरे विश्व में है, तो जैन समाज ही नहीं, जन जन यहाँ पहुंचे, यही सबसे हम कामना करते हैं, और आप सभी के सहयोग से इस क्षेत्र का कार्य सफल हो। सबसे पहले जब गुरु जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कार्यक्रम में जोड़ने की, तो हम लोग ने जब चर्चा की कि राष्ट्रीय स्तर पे आप करने समिति बनाइए, तो गुरुजी की मंशा थी कि सबसे पहले आप जिले के लोगों को जोड़े। स्पेशली जब हम लोग सब गए थे तो पटेरा से भी लोग गए थे, तो उन्होंने पूछा स्पेशली पटेरा में आपकी समिति की सब मीटिंग वगैरह हो गई, तो हमने अभी नहीं हुई बात। पहले सबसे पहले बोले पटेरा जो है वो आज भी नहीं, हमेशा से कहते आएंगे कुंडलपुर बड़े बाबा का द्वार है। बोले आप सबसे पहले विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार, लकी डीसी न्यूज। कड़ाकोटा में शुक्रवार की शाम अधिवक्ता संघ के द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में एक बाइक रैली भी नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। अधिवक्ताओं की यह रैली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी से जब बात की गई, तो उनके द्वारा हमें विस्तार से जानकारी दी गई। आज अधिवक्ता संघ गढ़ाकोटा के द्वारा संविधान दिवस बड़े उत्साह पूर्वक मनाने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये बाइक रैली निकाली है, और साथ ही संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज से 3 वर्ष पूर्व अधिवक्ता दिवस मनाने के लिए भी प्रस्ताव पारित कर यह हम लोगों को अवसर दिया था कि संविधान दिवस पर अधिवक्ता दिवस भी मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। तो हम लोगों ने संविधान दिवस के साथ अधिवक्ता दिवस भी मनाया है, जिसमें नगर में संविधान दिवस के प्रचार प्रसार के हेतु हम लोगों ने बाइक रैली निकाली है, जिसमें हम सभी अधिवक्तागण नगर के प्रमुख मार्गों से एक बाइक रैली के माध्यम से निकलेंगे,
और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाकोटा में जाकर जो भर्ती मरीज हैं उनको हम लोग फल वितरण का कार्यक्रम करेंगे और वहां से फिर वापस तहसील में आकर यह बाइक रैली का कार्यक्रम समापन होगा और इसके बाद अधिवक्ताओं के लिए सम्मान में मुख्य अतिथि जो हमारे माननीय मंत्री महोदय को हम लोगों ने आमंत्रित किया है उनके साथ हम लोग वहां पर भोजन का कार्यक्रम रखा गया है गोपाल जी रेस्टोरेंट पर। ये और गोपाल जी रेस्टोरेंट में भोजन का कार्यक्रम करके ये हम लोगों का आज एक छोटा सा कार्यक्रम है जो हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया गया था, जो हम लोगों ने यही कार्यक्रम है। ठीक है, धन्यवाद। कार्यक्रम में सभी अधिवक्तागण मौजूद रहे जैसे मनोज तिवारी, बहराम खान, जागेश्वर, फारुक खान, राजेश चौबे, श्याम गुप्ता सहित अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बक्सर से एक बड़ी खबर आई है जहां पर राशन का जो खाद्यान्न होता है सरकारी खाद्यान्न होता है वह बाजार में बिकने जा रहा था, बमोरी चौकी प्रभारी के द्वारा इसे पकड़ लिया गया। एक तरफ सरकार खाद्यान्न वितरित करने के लिए गरीब परिवारों के लिए पूर्ण रूप से खाद्यान्न पहुंचा रही है, लेकिन वही राशन वितरित करने वाले सेल्समैन अपनी मनमर्जी से राशन वितरित कर गरीब परिवार के राशन को अवैध रूप से विक्रय कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला बक्सवा थाना अंतर्गत बमोरी से सामने आया जहां पर समिति प्रबंधक के द्वारा गरीब परिवार के लोगों का राशन न देकर अवैध रूप से उसका विक्रय किया जा रहा था। राम आश्रय सोनकर की शिकायत पर राशन विक्रय होते पिकअप सहित उसे पकड़ा गया। तहसीलदार तिलोक सिंह पोशाम ने राशन दुकान सील कर जाँच शुरू कर दी है। ग्राम बमोरी के ग्रामवासियों ने एक शिकायत किया था कि जो बमोरी राशन दुकान है उस सेल्समैन द्वारा विक्रय हेतु एक पिकअप में भरकर अनाज ले जा रहा है। उसके संबंध में तत्काल चौकी प्रभारी ने उसको रास्ते में पकड़कर वापस चौकी में लाया। उसके बाद मैं और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा उसकी जब्ती की कार्रवाई की गई और जब्त कर उक्त माल को एक कमरे में सील्ड किया गया है। भौतिक सत्यापन भी किया गया है जो दुकान का जितना भी वहाँ खाद्यान्न रखा है। चूँकि अभी स्टॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध नहीं हो पाया था तो इस वजह से अभी कार्रवाई जांच की जा रही है। सर, अगर वो संबंधित जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही पाई जाती है या फिर कालाबाजारी का पाया जाता है मामला, तो क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत प्रतिवेदन बना के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। फिर से हटा पुलिस ने पकड़ा गांजा एक आरोपी गिरफ्तार। सास के स्कूल में बच्चों से धुलवाए जा रहे हैं बर्तन। मासूम को झाड़ियों में फेंक कर निर्दयी में हुई गायब, सरपंच ने दिखाई मानवता, मासूम को कराया अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में घुसा सांप, अफरा तफरी भरा रहा माहौल। खास खबरें अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।